हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम एंड मोर। आज हम एक ग्लास बॉटल से ब्यूटीफुल डॉल बनाएंगे और उसके लिए हमें चाहिए ग्लास बॉटल, गोल्डन आर्कलिक पेंट, कॉपर आर्कलिक पेंट, वॉल पुट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फेविकॉल, ओल्ड ज्वेलरी फॉर डेकोरेशन, टिश्यू और नेट क्लॉथ एंड ग्लू गन। तो ये है मेरी छोटी सी क्यूट सी बॉटल जिसको मैं DIY करूँगी, और इसके लिए मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए और वॉल पुट्टी जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप देख सकते हैं कितनी क्यूट सी बॉटल है, छोटी सी है, और इसको फर्स्ट टाइम देख के ही मुझे एक लेडी की इमेज मेरे दिमाग में आई कि मैं इस पर बना सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक पेस्ट चाहिए, तो 2 स्पून्स मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस लूँगी, ये पाउडर है, और ये मैं वाटर, मेरे पास जो वॉल पुट्टी थी वो वाटर बेस्ड है, तो अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वाटर ऐड करके उसको इसी टेक्सचर में ला सकते हैं। मैं इसमें से 3 स्पून्स वॉल पुट्टी लूँगी। अब मुझे इसमें 2 स्पून्स फेविकॉल ऐड करना है, और ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छा सा डो बना लूँगी हाथों से, और ये मेरा सॉफ्ट डो रेडी है बना के। बहुत सॉफ्ट डो लगेगा ताकि आपको बनाने में क्रैक्स ना आए और बहुत इजीली आप उसको शेप दे पाएँ। स्टिल अगर आपका थोड़ा सा भी टाइट रहता तो आप वाटर ऐड कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं बॉटल को डिज़ाइन देना। तो मैं अपने डो को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। तो ये मैंने हेड बनाना स्टार्ट कर दिया है। बीच बीच में मैं पानी लगा के उसको अच्छे से शेप दे रही हूँ ताकि सरफेस पे कोई भी क्रैक्स ना रहे। स्टिल अगर रह जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी जो डॉल है वो पूरा कवर रहेगी क्लोथ से। तो मैं इसको शेप दे रही हूँ। मैंने हेड तैयार कर लिया है, वुमेन बॉडी पार्ट सेट में दोनों आर्म्स बना रही हूँ, और थोड़ा शोल्डर को ब्रॉड टच देंगे ताकि जो हम साड़ी लुक देंगे उसको वो बहुत सुंदर निकल के आए। आप अपने हिसाब से हैंड्स की पोजीशन सेट कर सकते हैं, मैंने जो सेट की वैसे भी रख सकते हैं, या फिर किसी को हाथ जोड़ के रखना पसंद है या नीचे दोनों हाथ रखना पसंद है, जैसे भी आपको पसंद आए वैसे आप अपनी डॉल के हैंड्स सेट कर सकते हैं। तो सेट हो गया मेरा डॉल। अब ये 1/2 आवर से सूख रही है, इसका मैंने सरफेस क्लीन कर लिया एक गीले कपड़े से ताकि हमें पेंट करना है, क्योंकि अब इसको तो हम ब्लैक पेंट करेंगे इसको। पेंट हो गया, अब मैं इसको थोड़ा जल्दी करना है मुझे, इसीलिए मैं इसको ड्रायर की हेल्प से अच्छे से सुखा लूँगी, और एक मैट लुक भी आ जाएगा ड्रायर से अगर मैं सुखाऊँगी इसको, तो पेंट पे ग्लॉसी लुक ख़त्म हो जाएगा। पर मैं ज्वेलरी पेंट करने वाली हूँ, तो ये मेरे पास एक पुराना ब्रेसलेट था, मेरे इयररिंग्स और एक मांग टीका जो कि ख़राब हो चुका है। तो अभी हम इसको फटाफट पेंट करते हैं। तो सब चीज़ मैंने अपने कलर टॉप पर रख लिए हैं, और ये मेरा टिश्यू का क्लॉथ है, ब्रश, ग्लू गन, सब चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब ये मेरे पास मेटेलिक कलर्स हैं जो कि मैं ज्वेलरी पे करूँगी, और ये गोल्डन कलर है वो कॉपर कलर रहेगा। अब पहले मैं बेस कलर करूँगी गोल्डन, और इसके बाद थोड़े ये जब तक सूखेगा इस पर एक कोट कर दूँगी मैं कॉपर कलर, इससे बहुत सुंदर सा शेड निकल के आएगा ज्वेलरी पे। और जब तक ज्वेलरी सूख रही है तब तक हम इसको क्लोथ्स पहना देते हैं। तो मैं अपने क्लोथ पे छोटी छोटी सी प्लीट्स तैयार कर रही हूँ, जैसे साड़ी में हम अपने आप पहनते हैं तो प्लीट्स बनाते हैं, ऐसे ही मैं ग्लू गन की हेल्प से इस पर प्लीट्स सेट कर रही हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा क्लोथ है आपको लग रहा है ज़्यादा बड़ा है तो वो कट कर लीजिए, और साइड में प्लीट्स को ग्लू गन की हेल्प से ही सिक्योर कर दीजिए, अब वो इस पर स्टिक हो जाएगा। और जैसे हम पिन से अपने शोल्डर पे साड़ी टक करते हैं, सेम उसी तरीके से हम ग्लू गन से इसको टक कर देंगे।
बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी प्लीट सेट करेंगे, जैसे कि इसको ग्रेस मिल जाए जिससे। और अब मैं इसको ज्वेलरी पहना दूंगी, थोड़ी ज्वेलरी अभी सूखी नहीं है बट स्टिल मैं इसको पहना रही हूँ क्योंकि वो पहने पहने सूखेगा, और क्योंकि मुझे सिर पे पल्ला सेट करना है इसलिए ज्वेलरी पहले ही पहनानी पड़ेगी। तो अब चेक कीजिए कितना पल्ला आपके सिर पे आ रहा है, और एक्स्ट्रा जो भी है साइड में प्लीट्स लगाइए पहले की तरह, और एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर दीजिए। ग्लू गन से मैंने प्लीट सेट की और एक्स्ट्रा क्लॉथ मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब मैं इसको सिक्योर कर दूंगी और जो सिर पे पल्ला है वो भी मांग टीका सेट करूंगी, और उसके बाद मांग टीका लगाने के बाद भी पल्ला सिक्योर कर दूंगी। और ये फाइनल लुक है जो कि मेरी डॉल बहुत ही प्यारी लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे DIYs के लिए प्लीज़ स्टे विद मी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।